सारंगपुर जनपद में भी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि प्रदेश के समस्त सांसदों विधायक ने कहा कि आपकी मांगे जो है वो वाजिब है। सरकार को सभी लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम पर हमारी मांग के लिए पत्र भी लिखे हैं, लेकिन सरकार है कि मानने को तैयार नहीं है। इस बार पंचायत विभाग और सरकार में आर पार की जंग हो सकती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पंचायत विभाग के लोगों का कहना है कि हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। जब तक हमारी मांगों का सही निराकरण नहीं होगा तब तक हम हड़ताल जारी रखेंगे। अब तो हम लोग धरने पर भी बैठ गए हैं। आने वाले समय में परिवार के लोगों को धरना स्थल पर लाएंगे। पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार की सभी योजनाएं धरातल पर पंचायत ग्रामीण विकास का अमला लागू करता है। इसके बाद भी वेतन के नाम पर हमें झुड़कियां मिलती हैं। कई विभाग ऐसे भी हैं जिनमें काम कुछ नहीं होता लेकिन वेतन बड़ी मात्रा में दिया जा रहा है। दूसरे विभागों के नियम बना दिए जाते हैं लेकिन हमारे लिए कानून बता दिए जाते हैं। जो आर्थिक मांगों के संबंध में हड़ताल है और ये हमारा तो आज दसवा दिन से हड़ताल जारी है और सभी जगह पूरे मध्य प्रदेश में हड़ताल जारी है। अभी हम अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं और अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो और उग्र आंदोलन होगा। प्रमुख रूप से कौन कौन सी मांगे आपकी? समानार्थी के जैसे जीआरएसओं की है तो उनके नियमितकरण की मांग है, सचिवों की सर्वेलियन की है, ऑपरेटरों की मांगे हैं और जनपद के बाबूजियों की जो फाइलें दबी है 2003 से उनकी मांगे हैं। ये सब अनार्थिक मांगे हैं, आर्थिक तो मांगे गए सरकार से, उसके बाद भी सरकार हमारे ओर ध्यान नहीं दे रही। हड़ताल पर रहे तो सरकार से हमारी आर्थिक मांगे हैं, सरकार पे भार नहीं आए और हम हमारी मांगों को लेकर सब हड़ताल पे हैं। अगर सरकार हमारी मांगे मान लेती है तो हम वापस काम पर लौट जाएंगे, तो सरकार अगर नहीं मान हमारी मांगे नहीं मानती है तो ये आंदोलन और उग्र होगा। पंचायत विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल से ग्रामीण क्षेत्रों के कई कामों को पूरा करने में बाधाएं आ रही हैं। जनपद पंचायत में जो 17 संगठनों के संयुक्त मोर्चा की हड़ताल चल रही है उसके कारण ग्रामीण क्षेत्र के सभी प्रकार के कार्य लंबित हो रहे हैं, जिसमें मनरेगा में मजदूरी प्रदाय करना और अन्य जो भी कार्य होते हैं, प्रधानमंत्री आवास पेंशन योजना या समग्र आईडी या और भी जो ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य होते हैं, वो सभी काम अभी हड़ताल के कारण चल रहे हैं। बहरहाल या तो देखना होगा कि क्या सरकार पंचायत विभाग के बढ़ते आंदोलन का कोई तोड़ निकाल पाती है या फिर यह आंदोलन और भी उग्र होगा। राजगढ़ से मृदुभाषी के लिए प्रदीप चैन की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।